जय मसीह। आज बहुत विश्वासियों के जीवन में एक प्रश्न है कि क्यों हमें इतने दुख, दर्द, कष्ट, कठिनाइयां और इतने परेशानियों के बीच से हमें जाना पड़ता है। क्यों हमारे जीवन में पीड़ा आते हैं, क्यों हमें ये परेशान करते हैं, क्यों हम इतनी तकलीफ में हैं, और क्या प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं, क्यों प्रभु ये सब होने दे रहे हैं, क्यों प्रभु हम लोग को परीक्षाओं के ऊपर परीक्षा के बीच से जाने दे रहे हैं। इसलिए बहुत लोग निराश हो जाते हैं, बहुत मसीही जीवन में ये दुख आने से प्रश्न आ जाता है। और इसलिए हम लोग पवित्र वचन से हम लोग देखेंगे कि प्रभु हमें क्या बोल रहा है। प्रभु पहला पत्रस एक अध्याय का 6 और 7 पद में यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अब कुछ दिन तक नाना प्रकार की परीक्षा के कारण दुख में हो, और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आज से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रगट होने पर प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण ठहरे। इसलिए आज अगर हमें ये सब परेशानियां, दुख, तकलीफ के बीच अगर हम लोग जा रहे हैं, और हमें निराश नहीं होना है, क्योंकि जैसे सोना अगर आग में पिघल भी जाता है, मगर हम लोग का विश्वास ना पिघले, हम लोग का विश्वास मजबूत रहे प्रभु में, कि प्रभु जब प्रगट होगा हम लोग का विश्वास उनको महिमा, आदर, प्रशंसा का कारण ठहरे। इसलिए हम लोग का विश्वास प्रभु में रहना चाहिए। इसलिए आप चिंतित ना हो, आप अगर इस परीक्षाओं के बीच में अगर आप जा रहे हैं, तो आपका विश्वास प्रभु में भरना चाहिए, आपका विश्वास नीचे नहीं जाना चाहिए। और प्रभु का वचन ये कहता है कि अगर हमें अगर सताया जाता है, निंदा किया जाता है, प्रभु का वचन मत्ती का 5 अध्याय का 10 पद में प्रभु का वचन ये कह रहा है कि धन्य है वो जो धार्मिकता के कारण सताया जाता है, क्योंकि स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। अगर आपको प्रभु को विश्वास करने की वजह से अगर आपको सताया जाता है, निंदा किया जाता है, धन्य है आप इसी में खुशी रहिए कि प्रभु में हमें स्वर्ग राज्य मिलता है, और प्रभु से ही हम लोग का रास्ता मिलता है हमारे जीवन में। इसलिए आप दुखित ना होइए, क्योंकि प्रभु ने हमें कभी ये वादा नहीं किया था कि मैं तुम्हें कोई परीक्षाओं के बीच में नहीं छोड़ूंगा। प्रभु ने ये हमें कभी वादा नहीं किया था कि तुम्हारे जीवन में दुख, दर्द, तकलीफ और कठिनाइयां नहीं आएंगे। मगर प्रभु का वचन से हमें ये सीख मिलती है कि प्रभु हमें बोलता है कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा भेजूंगा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें सहायक भेजूंगा। और आज ये सहायक पवित्र आत्मा आपके और मेरे साथ है, जो हमें मदद करता है। हमारे जीवन में जितने भी बड़े बड़े परेशानी ना आए, अगर युग के जैसे युग के जीवन में अगर हम लोग देखें कितनी बड़ी परेशानी आए, फिर भी हम लोग प्रभु को हम लोग आशीष देंगे, क्योंकि प्रभु हमारे लिए स्वर्ग का राज्य खोल के रखा हुआ है। इसलिए इस जगत में अगर हम लोग को दुख, तकलीफ और मसीही जीवन में हम लोग को परेशानी और हम लोग को पीड़ाओं के बीच में जाना पड़ता है, मगर चिंता मत कीजिए, क्योंकि प्रभु आ रहे हैं, प्रभु हमें ले जाएंगे, और हमारा प्रभु जीवित है। वो प्रभु क्रूस में लटका हुआ प्रभु, मरा हुआ प्रभु नहीं है, वो जीवित परमेश्वर है जो आप और मेरे साथ है। इसलिए हमारे जीवन में ये आनंद से आगे बढ़ते रहिए। अगर परीक्षा आती है तो, अगर चुनौती आती है तो उसको आप प्रभु के साथ, पवित्र आत्मा के साथ, उनके सहायता के साथ आप आगे बढ़ते जाइए, और आप अपने सारे जीवन की परेशानी प्रभु को दीजिए, प्रभु आपको आशीष देगा। क्योंकि प्रभु ने बोला था कि अगर तुम मेरे पीछे पीछे आना चाहते हो तो अपना अपना क्रूस लेके मेरे पीछे आना। इसीलिए हम लोग को क्रूस लेके आगे बढ़ना है। इसलिए पीड़ाओं आने से भी हम लोग फिर भी जानेंगे कि हम लोग प्रभु में है, और जो प्रभु में है उसके जीवन में तो
कठिनाइयां और समस्या और पीड़ाओं के बीच में तो उसको जाना ही पड़ता है। प्रभु आप सबको आशीष दे, आप लोग प्रभु में आगे बढ़ते रहिए, प्रभु का प्यार आपके जीवन में बना रहे।